अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो जे एंड के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल बनाया है, वहां पे रजिस्ट्रेशन कैसे की जाए और कैसे डिफरेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि एफिलेटेड हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के साथ, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ हो जो है जम्मू और श्रीनगर उनके साथ, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ, या जो ऑटोनोमस कॉलेज हमारे यहाँ पर है, तो इनमें से किसी में भी एडमिशन लेने के लिए आपको इस पोर्टल के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों ने ऑलरेडी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है और उस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के बुनियाद पे और उसकी एलिजिबिलिटी के बुनियाद पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो इसमें मैं आज आपको दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कैसे करनी है। पहले आपको क्या करना है, आपको इस पोर्टल के इस एड्रेस पे जाना है, jkadmission.summer.ac.in। याद रखिए कि ये पोर्टल ज़्यादा कंपैटिबल है डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा अच्छा नहीं चलता है, तो आपको रेकमेंड हम करेंगे कि आप डेस्कटॉप पे ही इसको या लैपटॉप पे ही इसको खोलिए और रजिस्टर कीजिए। तो इस पोर्टल पे जाइए और इस पे जाने के बाद यू विल गेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको एडमिशन गाइडलाइंस यहाँ पे मिल जाएगी, आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ पे, जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला है जो ऑटोनोमस कॉलेज है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है श्रीनगर जम्मू, इस्लामिया कॉलेज है ऑटोनोमस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के एफिलेटेड सारे कॉलेजेस, और इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन परेड जो भी ऑटोनोमस कॉलेज है, तो ये सारे कॉलेजेस यहाँ पे है और इनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि किसमें क्या कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं और इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप वो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में भी वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो किसी प्रोग्राम के रिलेटेड या किसी कॉलेज के रिलेटेड, जैसे हमारा कॉलेज जो यहाँ पे है दैट इज़ GDC बीरवा, तो बीरवा कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे डिग्री कॉलेज बीरवा में बैचलर विद मेजर इन अरबिक लिटरेचर एक कोर्स है जिसकी इनटेक कैपेसिटी 40 है, और इसमें माइनर्स कौन कौन से अलाउड है जो आप मेजर के साथ ले सकते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस पोर्टल पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो आपको हेल्प करेंगे। तो बिना किसी ताखिर के तो जल्दी से हम चलते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे और रजिस्टर करने के लिए क्या प्रोसीजर है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको सीधे इस राइट साइड में ये दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन का एक पैनल यहाँ पे विंडो मिल जाएगा। इसमें अब आपको दो तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ है, एक वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिया है और दूसरे वो जो वो नहीं दे पाए किसी रीज़न की वजह से। अब चूंकि इस साल पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में ये अप्लाई किया गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे पाए क्योंकि उनका जो सेंटर था वो आउटसाइड स्टेट या आउटसाइड यूटी दिया गया था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन याद रखना है इसमें पहली प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, और उसके बाद अगर सीट्स बच जाती है तो जो नॉन CUET स्टूडेंट्स हैं उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे चुका है स्टूडेंट उसको रजिस्टर कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है येस कि मैंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिया है, सबमिट करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन नंबर जो आपने को वहाँ पे मिला था वो यहाँ पे देना है, उसको एंटर करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे रजिस्टर की गई है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करनी है, और उसके बाद ये कैप्चा आप एंटर कीजिए और रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ये एंटर करोगे, अगर ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो आपको एक OTP मिल जाएगा जिसके थ्रू अब आप अपने इस अकाउंट का पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे OTP एंटर कर दिया है जो मैंने रिसीव किया मोबाइल फोन पे। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का है, आप अपना कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं। याद रखना कि ये पासवर्ड जो भी आप सेट करोगे यही आपको लॉगिन करने के काम आएगा आगे, तो ये याद रखना कि मैंने पासवर्ड क्या सेट किया हुआ है, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अच्छा सा रखना। उसके बाद आप कैप्चा दोगे, अगर किसी वजह से आपको OTP नहीं मिला तो आप यहाँ पे रिसेंट OTP पे क्लिक करके नया OTP जनरेट कर सकते हो। तो मैंने OTP एंटर कर दिया है, आई विल क्लिक ऑन सबमिट OTP।
तो यहाँ पे मेरा ओटीपी रजिस्टर हो गया, मैंने सेंड किया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पोर्टल पे। यहाँ पे अगर आप नहीं आते हो तो आप फिर भी इस लॉगिन पे क्लिक करके सीधे यहीं पे पहुंच जाओगे। अब आपको फिर से यही रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, और उसके बाद जो पासवर्ड आपने अभी किया है सेट, वो एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा और लॉगिन करना है। तो मैंने सक्सेसफुली अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब मैं लॉगिन करता हूं। ये आ गया मेरा लॉगिन अकाउंट। तो लॉगिन करने के बाद मैं रिडायरेक्ट किया जाऊंगा अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल चेक कर सकता हूँ, अपना CUET स्कोर चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं CUET रजिस्टर्ड स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। और उसके साथ साथ मैं नीचे यहाँ पे ये प्रोसेस दिखा रहा है कि आपको अब क्या करना है। तीन स्टेप्स है। तीन स्टेप्स में आपको अपने प्रेफर्ड कॉलेज में, अपने प्रेफर्ड या जो भी आप डिजायर्ड कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो पहला स्टेप है कि आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है, क्योंकि CUETP जो अपनी इन्फॉर्मेशन भरी हुई थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ भी एडमिशन के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें आपकी चाहिए, तो वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि हर कोर्स की एक एलिजिबिलिटी है, और CUET में आपने जिस पेपर में एग्जाम दिया है उसकी बुनियाद पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। और तीसरा स्टेप यहाँ पे होगा, फिर अब जिन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो उनकी प्रेफरेंस देना, कि पहले प्रेफरेंस पे मैं किसके रखूंगा। अगर मैं 5 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूँ तो पहली चॉइस में किसको देना चाहता हूँ, दूसरी किसको, तीसरी किसको। तो अब इन जल्दी से इन 3 स्टेप्स को जाते हैं। तो पहला काम है कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है व्यू एडिट प्रोफाइल। तो इस व्यू एडिट प्रोफाइल को बड़ी केयरफुली आपको फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा व्यू एडिट प्रोफाइल। तो जैसे ही मैं व्यू एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने CUET पोर्टल पे दी हुई थी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसमें अपडेशंस करनी है। कहीं कहीं पे यहाँ पे चेंजेस होगी, वो मुझे चेंजेस करनी है। जैसे पहली चेंज जो यहाँ पे है कैटेगरी सिलेक्शन में, कि क्या मैं किसी रिजर्व कैटेगरी में आता हूँ, जैसे आप RBA में आ सकते हो या कोई और कैटेगरी होगी। तो यहाँ पे वो सारी कैटेगरीज है, जैसे जनरल में अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो, जनरल स्टूडेंट हो ओपन मेरिट के, या शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब में आते हो, तो अगर आप जनरल में हो तो जनरल सिलेक्ट कीजिए, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में है तो वो कैटेगरी आप दीजिए। अब इसके अलावा आप EWS में पहाड़ी स्पीकिंग है, वीक अंडर प्रिविलेज्ड, RBA कैटेगरी के हो, तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो वो यहाँ पे केयरफुली सिलेक्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए, जो कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, इसकी जो इसका डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आगे जाके आगे आओगे तो वहाँ पे आपको वो सारे अपलोड करने पड़ेंगे, ताकि जो कॉलेज है, कॉलेज को वो डॉक्यूमेंट जाएंगे और वो उनको वेरीफाई करेंगे। जब वो आपको वेरीफाई करेंगे तब जाके आपका मेरिट फिर आगे जाके जनरेट होगा, तो वो वहाँ पे वेरीफाई होगा। तो याद रखना है यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ वो जो कि आप पे एप्लीकेबल है, कि मैं इस कैटेगरी में हूँ वही कैटेगरी देना, उसके बाद जो भी एप्लीकेबल होगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है तो इसको कॉपी कीजिए इस चेकबॉक्स पे, तो ये सारा कॉपी हो जाएगा। अब ये सारा चेक करने के बाद यू विल क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर? ओके। तो ये आपको इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी हुई है वो सारी दिखा देगा कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। तो अगर आपको कहीं पे लगता है कि कहीं पे कोई करेक्शन है तो यू कैन एडिट इट, अगर नहीं है यू कैन अपडेट डिटेल्स, अगर नहीं है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन है अचीवमेंट्स डिटेल्स। जैसे कोई एनसीसी कैडेट होता है 12th में, तो उनको वो सर्टिफिकेट्स होती है, या डिफरेंट नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स कैटेगरी में मैंने कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो अचीवमेंट्स होती है, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इनकी बुनियाद पे आपको एक रिजर्वेशन होती है, कोटा होता है, जो इनटेक कैपेसिटी होती है डिफरेंट कोर्सेज की, तो वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये एप्लीकेबल है तो वो आप ऐड कीजिए, जैसे एनसीसी कैडेट है तो वो लिखेगा अपना सर्टिफिकेट नंबर, कब इशू हुआ वो डिटेल। इसके अलावा अगर कल्चरल लिटरेरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, या NSG BSG इनमें पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स की कोई कैटेगरी या कोई नेशनल लेवल पे आपने पार्टिसिपेट किया है, तो अगर ये एप्लीकेबल कोई नहीं है इनमें से तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक टू
दिस स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन। तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाइए। नेक्स्ट सेक्शन पे अब आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स भरनी है। अब ये एकेडमिक डिटेल्स आपकी 12th की डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे भरनी होगी, और इसमें आपको डेटा जो है वो फेच हो जाएगा ऑटोमेटिकली एपीआई के जरिए। यहाँ पे आप डिफरेंट सेंट्रल सीबीएसई के जरिए, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोर्ड के हो, आंध्रा के हो, किसी के भी, वहाँ से तो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ जे एंड के स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारा वही एप्लीकेबल है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे 12th का बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, जैसे वो फेच हो गए। तो अगर आपको कोई एरर आता है, आप चेक कीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है, आपका बोर्ड नंबर ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग वो ठीक दिया है, स्ट्रीम ठीक दिया है। अगर ये सारी ठीक होगी तो जैसे ही आप रिफेच पे क्लिक करोगे तो ये आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बोर्ड से लाएगा। तो ये आपके मार्क्स इस के है जिसका अकाउंट में यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो इसके मार्क्स से है। अगर आपको वहाँ से फेच नहीं होते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख के उनमें मार्क्स खुद डाल सकते हो जो आपका मार्क्स कार्ड है। तो याद रखना है कि यहाँ पे कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं भरना है, जो एप्लीकेबल है आपके वही भरना है। तो ये भरने के बाद अब आपको 10th की डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे किस साल में बाद 12th के जो स्कूल है उसकी डिटेल दे दी, और अब आप क्लिक करोगे सेव एंड नेक्स्ट। अब फिर से ये आपको इसका प्रीव्यू दिखाएगा कि आपने एकेडमिक डिटेल्स में क्या क्या भरा हुआ है। तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई करेक्शन है तो यहाँ पे अपडेट डिटेल्स की ऑप्शन अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज क्लिक ऑन प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करनी है। जो आपका स्कोर आया हुआ है उसकी बुनियाद पे आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज दिखा रहा है जिसमें आप एलिजिबल हो उसको ये दिखाएगा क्वालिफाइड यस, जिसमें नहीं होगा अगर आप नीचे जाए तो वहां पे नो होगा। तो वहां पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है नो, तो इसका मतलब है इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल। ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एक पर्टिकुलर कोर्स, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में कोई कोर्स करना चाहते हो तो वो दिखाएगा, आप केयू के किसी कोर्स को चेक करना चाहते हो तो वो आप चेक कर सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी के लिए खाली है, और ये चेक करने के लिए बाद यू विल गो टू द बॉटम और यहाँ पे क्लिक करोगे प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, और यहाँ पे एक तो फोटोग्राफ, वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने सीवीटी पे किया था, सिग्नेचर भी किया था, वो वही से आएगा। इसके अलावा आपको, आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था आरबीए, तो आरबीए की कैटेगरी अपलोड करनी है, 10th का मार्क्स कार्ड अपलोड करना है, 12th का मार्क्स कार्ड अपलोड करना है, और डोमिसाइल अपलोड करनी है, कंडक्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, ये ऑप्शनल है, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपने स्कूल से लिए तो वो आप अपलोड कर सकते हो, माइग्रेशन एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, तो ये सब आप यहाँ पे अपलोड करोगे। तो मैं यहाँ ये पे अपलोड करता हूँ, उसके बाद तब तक मैं इसको पहले पास कर। तो मैंने यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। इनका साइज आपको याद रखना है 10 KB से 500 KB तक है, तो ठीक है 500 तक होता है, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन इनको रिसाइज कर सकते हो। तो ये अपलोड करने के बाद यू विल क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड सबमिट। तो आपने अपना जो पहला है प्रोफाइल सेट करने का, उसका लास्ट स्टेज है ये। तो इसमें आपको प्रोफाइल की डिटेल सारी मिल जाएगी, आपने क्या डिटेल्स भरी हुई है और कैटेगरीज कौन सी भरी हुई है, मार्क्स की डिटेल्स आ जाएगी, डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं। इसके बाद अब आपको डिक्लेरेशन में इनको कन्फर्म करना होगा एक एक करके, मेरा बायोडाटा, मेरा जेंडर, ये सारे चेकबॉक्स आपको क्लिक करने पड़ेंगे ताकि आपको पता चले कि मैंने भरा वो क्या है। जैसे मेरी 12th की परसेंटेज 82.6 है, तो क्या ये सही है, तो ये आपको यहाँ पे कंफर्म करनी पड़ेगी। तो सारे कंफर्म करने के बाद आप इस पे क्लिक करोगे कंफर्म एंड सबमिट। अभी तक आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अब आप इस प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने प्रोफाइल
एडिट सबमिट कर दिया। अच्छा, आप किसी स्टूडेंट को अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाता है कि उसकी प्रोफाइल में कहीं करेक्शन है लेकिन उसने सबमिट कर दिया है, आप चेंज तो नहीं कर सकते हो, तो आपको कॉलेज को अप्रोच करना पड़ेगा। कॉलेज वाले जो समर्थ टीम है उनको मेल कर सकते हैं और उसके जरिए उसमें चेंजेस आ सकती है, बाकी कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। अब ये पहला एक स्टेप था कि मैंने अपनी प्रोफाइल जो है वो सेट कर दी। यहाँ पे फिर से मैं डैशबोर्ड पे आ गया। अब आपको प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन करनी है, जो प्रोग्राम्स आप जिनके लिए आप एलिजिबल हो आप उनमें चॉइस देनी है। अगर आप एलिजिबल हो पॉलिटिकल साइंस के लिए, आप सोशियोलॉजी के लिए हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए हो, तो अब आप तो एडमिशन सिर्फ एक में करोगे, लेकिन आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या अपनी सिक्योरिटी के लिए दो चार पांच सिलेक्ट करते हो, ताकि अगर एक में एडमिशन ना हो जाए, सीट अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी में मिल जाएगी। तो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि पहली प्रेफरेंस किसकी है, दूसरी किसकी है। तो उसके लिए हम इस पे जाएंगे, प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन पे। प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन पे जाने के बाद अब ये आपको CUET का स्कोर दिखाएगा कि आपने किस किस पेपर में एग्जाम दिया है। तो ये CUET स्कोर है, जियोग्राफी में, जियोलॉजी में मैंने दिया है, उसका क्या परसेंटाइल है, और उसके अलावा जनरल टेस्ट मैंने दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है कि ये सही है, और उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। नीचे आप कोर्सेज दे सकते हो कि किनका क्या कट है, प्रोग्राम स्पेसिफिक CUET स्कोर, जनरल टेस्ट वगैरह, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। मुझे अपनी प्रेफरेंस देनी है कि मैं किस कोर्स में, किस कॉलेज में एडमिशन करना चाहता हूँ, किस कोर्स में एडमिशन करना चाहता हूँ। तो इस पर आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो मिल जाएगी। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। यहाँ पे आपको वो कोर्सेज जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, वो कॉलेज जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, वो सिलेक्ट करने हैं, और पहली और दूसरी और तीसरी या चौथी जितनी भी प्रेफरेंस आप रखना चाहते हो, किसको किस प्रेफरेंस पे मैं रखूँ। तो अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे सारे कोर्सेज है, 809 अवेलेबल कोर्सेज है आपके लिए। जैसे पहला कोर्स आ रहा है क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर का बैचलर इन इकोनॉमिक्स, इसके लिए आप एलिजिबल हो, इसी तरह बाकी कोर्सेज हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे इतने कोर्सेज में अपने कॉलेज को ढूंढोगे, उसके लिए पहले आपको फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे। तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन चाहता हूँ, जैसे किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में, मैं जैसे जिस स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डेमो के लिए यूज कर रहा हूँ, तो वो शोपियान से है, तो मैं शोपियान को सिलेक्ट करूंगा। अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के हो, जैसे मैं बीरवा कॉलेज से हूँ, तो वहां पे आप बीरवा कॉलेज के रिलेटेड उसको सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं डेमो के लिए बीरवा कॉलेज ही लेता हूँ, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट उसका है बड़गाम, तो मैं बड़गाम को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी के थ्रू, वहाँ इस बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में अगर मल्टीपल कॉलेजेस है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलेटेड है, आप किस यूनिवर्सिटी का चाहते हो, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हो, मैं कौन सा प्रोग्राम, जैसे मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस या जियोग्राफी में कोर्स करना चाहता हूँ, बैचलर ऑफ जो यहाँ पे है, बैचलर विद मेजर इन जियोग्राफी, तो ये वाला कोर्स करना चाहता हूँ, फिल्टर करना चाहता हूँ, तो मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कोर्सेज आएंगे कि कौन सा कॉलेज ये कोर्स ऑफर कर रहा है जिनको मैं अपनी प्रेफरेंस में ऐड कर सकता हूँ। जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी का ये कोर्स बैचलर विद मेजर इन जियोग्राफी, बड़गाम DDC जो डिग्री कॉलेज मागाम है वो ऑफर करता है, तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। और दूसरा यहाँ पे बैचलर विद मेजर इन जियोग्राफी, ये कौन सा, ये गवर्नमेंट शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज बड़गाम, जिसको हम GDC बड़गाम प्रीवियसली कहते थे, वो भी ऑफर करता है यहाँ पे। अब ये दो कोर्सेज में अपनी प्रेफरेंस में ऐड कर सकता हूँ। अब ऐड करने के लिए आपके पास तीन तीन ऑप्शन है हर कोर्स के लिए। अगर आप इसको पहली प्रेफरेंस में ऐड करना चाहते हो, एट द टॉप ऑफ द प्रेफरेंस, तो इस पे क्लिक करोगे एड टू टॉप, तो ये आपकी पहली प्रेफरेंस बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको नीचे दूसरे सेक्शन पे बॉटम पे डालना चाहता हूँ, आपने दो चार प्रेफरेंस रखी है, तो ऐड टू बॉटम वो नीचे चला जाएगा। और इसी तरह आप किसी स्पेसिफिक प्रेफरेंस नंबर पे आप उसको ऐड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे कोई और कोर्स भी सिलेक्ट करते हैं, जियोग्राफी की जगह यहाँ पे देखते हैं क्या मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हूँ, बैचलर विद मेजर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अप्लाई फिल्टर। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस जो
जैसे डिग्री कॉलेज बीरवा ऑफर कर रहा है, डिग्री कॉलेज बड़गाम ऑफर कर रहा है, तो आप जिस कोर्स को चाहते हो उसको यहाँ पे अपने प्रेफरेंस में ऐड कर सकते हो। याद रखना है, कॉलेज जरूर देखना है कि मैं किस कॉलेज का कोर्स प्रेफरेंस में डाल रहा हूँ और किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी है, कहीं आपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी किया तो याद रखना है, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के ही कोर्सेज आ जाएंगे और वहीं पे आपकी सिलेक्शन होगी। तो आपको ये चेक करना है, क्योंकि ये सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को यहाँ पे ला रहा है, यूनिफॉर्म है, एक ही पोर्टल है। तो यहाँ पे जैसे मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं इसको प्रेफरेंस किसी दूसरी दूसरी प्रेफरेंस उसको रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको कहूंगा ऐड टू प्रेफरेंस, इसको दूसरे नंबर पे रखना। अब जो दूसरे पे है वो तीसरे पे चला जाएगा, तो मैंने ऐड किया, तो ये आ गया मेरा बैचलर विद मेजर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे। अगर यहाँ पे भी आप चाहते हो किसी को ऊपर नीचे करना, पहली प्रेफरेंस को चेंज करना, इसको मैं पहली प्रेफरेंस, तो यू कैन मूव इट टू अप। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी अपने कोर्सेज की, जो कोर्सेज आपको चाहिए वो कोर्सेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के होंगे उसके मुताबिक कर सकते हो, और उसके बाद उन कोर्सेज को यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस में ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे बीरवा कॉलेज है, जीडीसी बीरवा, तो मुझे सिर्फ जीडीसी बीरवा के कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये है जीडीसी बीरवा के सारे कोर्सेज। अब इनमें मैं जिस जिस के लिए एलिजिबल हूँ वो ही खाली पॉपुलेट हो जाएंगे और उनको मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे बैचलर विद मेजर इन अरबिक, मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, जैसे बॉटम पे, लास्ट पे, एक और प्रेफरेंस। तो मैंने चार प्रेफरेंसेज यहाँ पे ऐड। अब प्रेफरेंसेज ऐड करने के बाद आपको इनको सेव करना पड़ेगा, यहाँ पे सेव चेंजेस। याद रखना है, आपने प्रेफरेंस लिया लेकिन ये दिखा रहा है यू हैव जीरो सेव्ड प्रेफरेंसेज आउट ऑफ फोर, चार प्रेफरेंसेज है। अगर आप बैक गए या किसी और टैब पे गए तो ये सेव नहीं रहेगी जब तक कि आप इन प्रेफरेंस को सेव नहीं करोगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सेव चेंजेस। तो सेव चेंजेस करने से पहले मैं इनको रिमूव करूंगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट का मैं भर रहा हूँ वो बीरवा का नहीं है, शोपियन का है, तो शोपियन के कुछ प्रेफरेंसेज यहाँ पे ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट करता हूँ शोपियान, यूनिवर्सिटी करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, और उसके बाद कॉलेज करता हूँ जीडीसी शोपियान, जिसका नाम है इम्तियाज मेमोरियल डिग्री कॉलेज शोपियान नाउ। तो मैंने ये अप्लाई कर दिया, अब मुझे वहाँ के कोर्सेज मिल गए। अब इसमें से मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम चाहिए, जैसे मैंने जियोग्राफी पसंद है मुझे, मैंने जियोग्राफी में यहाँ पे CUET दिया था, तो वो मैं अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे एक कोर्स आ रहा है बैचलर विद मेजर इन जियोग्राफी, ये शोपियन कॉलेज ऑफर कर रहा है, इसको मैं टॉप पे ऐड करता हूँ। इसके अलावा आई वॉन्ट टू गो फॉर मेजर विद साइकोलॉजी, ये मुझे पसंद है, तो यहाँ पे बैचलर विद मेजर इन साइकोलॉजी ये भी, तो इसको मैं दूसरी प्रेफरेंस पे ऐड करता हूँ। तो ये मेरी दूसरी प्रेफरेंस आ गई। इसके अलावा मैं एक और कोर्स करना चाहता हूँ सोशियोलॉजी में, बैचलर विद मेजर इन सोशियोलॉजी, तो इसको फिल्टर कीजिए अप्लाई। ये आ गया बैचलर विद मेजर इन सोशियोलॉजी, ये भी शोपियन कॉलेज ऑफर कर रहा है, इसको मैं तीसरी प्रेफरेंस या बॉटम पे ऐड करता हूँ। तो मैंने तीन प्रेफरेंसेज यहाँ पे दे दी, अब मैं इनको सेव करता हूँ। सेव करने के बगैर ये सेव नहीं रहेंगे, और अगर आप सीधे चले गए किसी और सेक्शन पे तो ये सारे गायब हो जाएंगे, फिर से आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सेव चेंजेस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है इसको, मैं पहले एक को सेव करता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि इसमें कभी कभार ये एरर आ जाता है। इसको मैं एक बार फिर से रिलोड करता हूँ। अब अगर यहाँ पे आपको कोई एरर आता है तो आप कॉलेज अथॉरिटीज को जा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई एरर है, तो वो आप एरर निकाल सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, तो पहला कोर्स मैंने दिया था जियोग्राफी का, जियोग्राफी का कोर्स एड टू टॉप, इसको मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, तो सेव हो गया, एक हमारा सेव हो गया। तो यहाँ पे एक टिप याद रखिए कि दो तीन सिलेक्शंस मत कीजिए, एक कीजिए और उसको सेव कीजिए, फिर दूसरा कीजिए उसको सेव कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार एरर्स आ जाते हैं। पहली बार पोर्टल यहाँ पे लाइव हो रहा है, तो अगर एरर आ रहा है तो आप रिफ्रेश कीजिए और एक को सिलेक्ट कीजिए, उसको सेव कीजिए, उसके बाद दूसरा कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा लिया था, तो
साइकोलॉजी का, तो ये दूसरी है, इसको मैं बॉटम पे ऐड करता हूँ, दूसरी प्रेफरेंस, और सेव करते हैं। तो ये भी सेव हो गया, मेरी दो प्रेफरेंसेस सेव हो गई। अब मैं तीसरे पे जाता हूँ, तीसरा मैं यहाँ पे लेता हूँ जैसे सोशियोलॉजी, इस पे अप्लाई करता हूँ। ये आ गया सोशियोलॉजी जो शुपियन कॉलेज ऑफर करता है, इसको मैं बॉटम पे ऐड करता हूँ, और सेव चेंजेस। हर बार आपको सेव चेंजेस, तो यहाँ पे एक चीज आपने से देख लिया कि अगर दो तीन प्रेफरेंसेस हम ऐड करते हैं, उनको सेव करने की कोशिश करते हैं, तो एरर आ सकता है। तो एक एक करके आप पहले एक कीजिए, उसको सेव कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये सब सेव करने के बाद, उसके बाद यू विल क्लिक ऑन दिस प्रोसीड टू प्रीव्यू। अगर आप चाहते हो आप प्रेफरेंसेस अभी भी ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट डेट तक आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस। ये मेरी प्रेफरेंसेस है। पहली प्रेफरेंसेस जो है वो है कश्मीर यूनिवर्सिटी का बैचलर विद मेजर इन जियोग्राफी, जो कि GDC शोपियन ऑफर करता है, ये मेरी पहली प्रेफरेंस है। ये दूसरी प्रेफरेंस है जो कि साइकोलॉजी है। तीसरी प्रेफरेंस मेरी है सोशियोलॉजी। आप डिफरेंट कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो, आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी इंक्लूड कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस में, जो भी कॉलेजेस आपको पसंद है, जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो और जिसके लिए आप एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। स्टिल आई कैन अपडेट दिस प्रेफरेंसेज, अगर मैं चाहूँ दो चार और ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक बात समझना है, जब मेरी सिलेक्शन हो जाएगी तो पहली सिलेक्शन मेरी इस प्रेफरेंस, जो प्रेफरेंस नंबर 1 है, तो उसमें होनी चाहिए, मैं वो चाहता हूँ। उसमें अगर मेरी सिलेक्शन हो गई, नहीं तो दूसरी प्रेफरेंस और तीसरी प्रेफरेंस को मैं फिर अवेल कर सकता हूँ। और उसके बाद यू विल क्लिक ऑन प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। तो ये आपको सारी डिटेल दिखा देगा यहाँ पे कि आपका स्कोर जो है वो क्या है, और आपने अपनी प्रेफरेंसेस क्या क्या ली हुई है, और आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, वो सारी दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं सीधे बॉटम पे जाता हूँ। अब फाइनली आई विल क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन। अगर आप एप्लीकेशन अभी सबमिट नहीं करना चाहते, आप चेंज करना चाहते हो कहीं पे, तो यू कैन चेंज इट, अदरवाइज यू विल क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन। तो अभी तक मैंने प्रोफाइल अपडेट कर दी, उसके बाद मैंने जो अचीवमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद मैंने जिन जिन कोर्सेज के लिए मैं एलिजिबल था वो देख लिए, और मैंने उनकी एक प्रेफरेंस बना दी, और अब मैंने फाइनली अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। तो ये मेरा एप्लीकेशन है जो मैंने सबमिट कर दिया यहाँ पे, जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके अलावा मेरा सारा फॉर्म डिक्लेरेशन यहाँ पे आ गया। तो अगर आप चाहो आप इस एप्लीकेशन, इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट PDF पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। ये मैंने सेव कर दिया। और इसके अलावा अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है। ये डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं ये कॉलेज को जाएंगे, कॉलेज की जो एडमिशन कमेटी है वो उनको वेरीफाई करेंगे, और अगर उनको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई डेफिशिएंसी है तो आपको वो डेफिशिएंसी क्रिएट कर देंगे। आपको SMS आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा, आपको चौंकना रहना है इन दिनों, तो वो डेफिशिएंसी आपको दूर करनी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है कि आपने फॉर्म तो भर दिया, यू कैन स्टिल एडिट योर प्रेफरेंसेस, लास्ट डेट से पहले आप प्रेफरेंसेस अभी भी चेंज, अगर आपको लगा नहीं मुझे एक दो प्रेफरेंसेस और चाहिए, या कोई और कॉलेज चाहिए, या किसी ने कह दिया वहां पे अप्लाई करना है, तो आप कर सकते हैं। जैसे ही डेफिशिएंसीज खत्म हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, उसके बाद फिर दूसरे राउंड में मेरिट जनरेट किया जाएगा और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपको वो सिलेक्शन एक्सेप्ट करनी है, जिसको हम कहते हैं लॉक करना है। आपने एक सिलेक्शन लॉक कर दी, उसके बाद आपको फी भरना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं अभी मैं इसको लॉक नहीं करना चाहता, मैं कोई और प्रेफरेंस देना देखना चाहता हूँ, किसी और कोर्स में मत हो जाए, किसी और कॉलेज में, तो आप उसको वहीं पे वैसे रख सकते हो। तो इसकी सारी डिटेल्स इस एडमिशन गाइडलाइंस में दी हुई है। तो ये था वीडियो कि आप इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर की बुनियाद पे जम्मू एंड कश्मीर के डिफरेंट कॉलेजेस में कैसे एडमिशन ले सकते हो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। जो कॉलेजेस एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के साथ, कश्मीर के साथ, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो हमारी है यहाँ जम्मू श्रीनगर में, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, या जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, जे डिग्री कॉलेज बारामूला है हमारा, इस्लामिया कॉलेज है, तो परेड कॉलेज है, इन सब के साथ एडमिशन कैसे लिया जाए। आपको ये फॉर्म केयरफुली सबमिट करना है, इसमें कहीं करेक्शन नहीं होनी चाहिए, और इसी की बुनियाद पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपका जो फी है वो फी भी आपको ऑनलाइन ही फिर आगे जाके सबमिट करना होगा।
उसके लिए भी फी सारा इसमें दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, और उसके बाद फिर कॉलेज में इसकी एक हॉर्ड कॉपी आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो यही था इस वीडियो में, होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया, मैंने लाइव दिखाई दिया आपको कैसे सबमिट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।